नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जीएम सर आरपीएस। आज अपने क्लास 10 के लिए चौथी प्रश्नावली की बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। इसमें अपन रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। यहां आपके पास दो समीकरण है, x + 3y = 6, x - 2y = 3। सबसे पहले मैं बात समीकरण नंबर इसकी पहले की करूंगी। पहला समीकरण आपका है x + 3y = 6। ये आपका कौन सा समीकरण है? पहला। इसमें देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पक्षांतर। पक्षांतर में क्या पढ़ेंगे कि किसी एक चर राशि को मैं अपने बराबर के लेफ्ट हैंड रख दूंगा। यहां मैं सबसे पहले x को बराबर के लेफ्ट हैंड रख दूंगा, किस साइड? लेफ्ट साइड रख दूंगा। बाकी जो भी है उसको राइट साइड रख दूंगा बराबर के। 6 बराबर के राइट में था, अभी भी राइट में ही है, और 1 बचा 3y, ये भी आ जाएगा बराबर के राइट में। और इधर था तो प्लस का है, इधर आते ही पक्षांतर होकर किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो x बराबर मेरा आ गया 6 माइनस 3y। ओके, अब मैं क्या करूंगा? y का मान रखता जाऊंगा इसके अंदर और x का मान मुझे पता चल जाएगा। तो y बराबर मैं सबसे पहले रखूंगा 1। कितना रखूंगा? 1। तो देखो देखो, x x का x बराबर 6, किसका 6, माइनस का माइनस 3। 3 इंटू वाई, इन्हें गुणा हो रहा है 3 इंटू वाई। वाई कितना मेरा माना होगा? 1। तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3 इंटू 1, 3। तो x बराबर मेरा आ गया 6 माइनस 3, 3। ओके, जब मैंने y बराबर 1 इसमें रखा तो x मेरा आ गया 3। अब इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा? y बराबर 2 रखूंगा। y बराबर 2 किसमें रखूंगा? यही रखूंगा, जो कि मेरा क्या है? x बराबर 6 की जगह 6 माइनस का माइनस 3 इंटू 3 इंटू वाई। वाई क्या है मेरा माना हुआ? सॉरी, 2। कितना माना हुआ है? 2। तो मेरा x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2, 6। यानी कि x मेरा आ जाएगा 6 माइनस 0, सॉरी 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 0। आगे मैं y बराबर 3 रखूंगा, यानी कि y बराबर मेरा मानूंगा 3। y बराबर 3 यानी कि अब यहां रखूंगा x बराबर 6 की जगह 6 माइनस का माइनस 3 की जगह 3 इंटू y की जगह मैं क्या रखूंगा? 3। ठीक है, तो मेरा देखो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 3, 9। देखो x बराबर एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, 9 में से सेकंड आपका बच गया 3, और 9 जो कि बड़ी है, जो कि माइनस की है, तो साइन आएगा माइनस का, यानी कि x बराबर आ गया मेरा माइनस 3। जब मैंने y रखा 3 तो x आ गया माइनस 3। इसके लिए मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ समीकरण नंबर 1 के लिए। एक साइड मेरा x रहेगा, एक साइड मेरा y रहेगा। ये रहा x, इधर रहा y। जब मैंने सबसे पहले y बराबर कितना रखा? 1 रखा था, तब मेरा x कितना आया था? 3 आया था। और जब मैंने y बराबर 2 रखा तब मेरा x कितना आया? 0। और जब मैंने y बराबर 3 रखा तब मेरा x कितना आया? माइनस 3। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं और अपन की बात करेंगे समीकरण नंबर 2 की। टेबल बन गई, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, टेबल तक काम हो गया है पहले समीकरण के लिए। अब क्या करेंगे? x माइनस 2y बराबर 3, ये कौन सा समीकरण है? 2 नंबर का। इसके लिए भी देखो टेबल बनानी है, तो वही वापस पक्षांतर से शुरुआत करेंगे। मैं क्या करूंगा? बराबर की साइड एक चर राशि लेफ्ट में रखूंगा, तो यहां मैं x को फिर ये लेफ्ट रखता हूं, बाकी सबको बराबर के राइट में ले जाऊंगा। 3 मेरा पहले से राइट हैंड है, राइट साइड में। ठीक है, मेरा माइनस 2y बचा, इसको भी मैं बराबर के किस तरह ले गया? राइट ले गया, तो मेरा माइनस 2y था, तो किसका हो गया? प्लस 2y, यानी कि मेरा x बराबर कितना बन गया? 3 प्लस 2y। अब वही बात, मैं y बराबर 1 रखूंगा सबसे पहले, y बराबर 1 रखने पर। तो देखो यहीं से देखो शुरू करते हैं, x बराबर 3 प्लस 2 इंटू y, y का मान मैंने कितना माना आया? 1 मान लिया। ठीक है, तो x बराबर 3 प्लस 2 इंटू 1, 2, तो x बराबर मेरा हो गया 3 प्लस 2, 5। ओके, यानी कि जब मैंने y बराबर 1 इसमें रखा तो x मेरा 5 आ गया। अब मैं y बराबर मानूंगा 2, y बराबर 2, तो देखो इसमें वापस रखो मान, x बराबर 3 प्लस 2 इंटू y का मान बताओ कितना माना मैंने? 2, तो मेरा x बराबर आ गया 3 प्लस 2 इंटू 2, 4, यानी कि 4, x बराबर 3 और 4 जोड़कर 7। जब मैंने y का मान 2 मान के इसमें रखा तो मेरा x आ गया 7। इसी प्रकार से मैं y का मान मानूंगा 3, यानी कि 3, और मैं रखूंगा इसमें, तो मेरा आ जाएगा सबसे पहले मेरा आएगा x, उसके बाद 3 प्लस 2 इंटू y का मान कितना माना हुआ है? 3। तो देखो
x बराबर 3 प्लस 2 इंटू 3 6, यानी कि x का मान 3 और 6 जोड़ करके क्या हो गए 9, यानी कि 9 आ गया। तो इस दूसरे समीकरण के लिए भी मैं यहां टेबल बना रहा हूं दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है। एक साइड मेरा क्या रह जाएगा x और एक साइड मेरा रह जाएगा y, ऊपर x नीचे y। जब सबसे पहले मैंने y बराबर 1 माना था तब मेरा x कितना आया था 5 आया था, और जब मैंने y बराबर 2 माना तब मेरा x कितना आया 7, और जब मैंने y बराबर 3 माना तब मेरा x आया 9, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं और अपन बनाएंगे अब इसके लिए ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को बोर्ड पर सीखने की कोशिश करेंगे, वैसे अगर आप नोटबुक में इसे बनाओगे तो बढ़िया लगेगा, आप यहां देख लोगे तो आप बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें दो रेखाओं की बात होती है, एक होती है खड़ी रेखा एक होती है आधी। तो सबसे पहले ये आपकी रही खड़ी वाली, ये आपकी खड़ी, ठीक है, और एक होती है आधी, ये हुई आधी वाली, ठीक है। और जो आपकी ये खड़ी होती है इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसे अपन बोलते हैं वाई, सीधी सी बात है, इसे वाई कह देते हैं, और ये भी वाई है, ठीक है, ये पूरी वाई है और ये पूरी क्या है एक्स, ये पूरी है एक्स, ये इधर एक्स इस यहां रहेगा जीरो मूल बिंदु, कौन सा बिंदु मूल बिंदु, इस जीरो के इधर वाली संख्या माइनस में होगी और जीरो से नीचे वाली संख्या भी ये माइनस में होगी, यानी कि ये एक्स इधर प्लस है इधर है माइनस, ये नीचे वाला है जीरो से नीचे माइनस ऊपर वाले प्लस, ये मूल बिंदु हो गया। इससे बाद एक और जरूरी चीज है पैमाना, ध्यान रहे पैमाना जरूर ले। तो देखो पैमाना, पैमाना अपन लेंगे एक सेमी पर, दोनों एक्स और वाई एक्स दोनों के लिए समान ही चलेगा, ठीक है। तो एक सेमी पर क्यों लेंगे, जो आपकी ग्राफ की नोटबुक होती है उसमें छोटे छोटे से जो एक डिब्बे में होता है, एक सेमी क्या होता है आपको पता ही है। तो एक सेमी बराबर अपन लेंगे, यहां आप देख लो तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो एक इकाई ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, यानी कि मैं लेता हूं एक इकाई, एक सेमी बराबर एक इकाई। अब इधर संख्या चलती जाएगी प्लस में, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10, और नीचे भी संख्याएं चलेगी जो कि माइनस में, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। ऊपर चलेगी y प्लस में 1 2 3 4 5, और इधर चलेगी x में जो कि माइनस, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब अपन स्टेबल से इसमें ग्राफ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नंबर टेबल की बात करूंगा, सबसे पहले मेरा y कितना 1, y प्लस का है, देखो y प्लस ये रहा, ये y प्लस तो ये रहा प्लस 1 रहा, और x उस समय कितना 3, x रहा ये 3, यानी कि ये दोनों यहां मैच यहां मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो y मेरा अब कितना 2, 1 2 y 2, और उस समय x कितना only for 0, यानी कि x की तरफ कोई गया ही नहीं, यानी कि यहां मेरा हो जाएगा 2 0, y कितना 2 और x हो जाएगा 0। अब आगे देखेंगे तो y मेरा आप कितना 3, y मेरा यह 3 और x मेरा कितना माइनस 3, यानी कि ये रहा माइनस 3, और ये दोनों यहां मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसा पढ़ना है वैसे चला देना, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए बात करेंगे, अपन करेंगे दूसरे समीकरण की बात, दूसरे में y कितना 1, y 1 प्लस का ये रहा, और x कितना 5, x कितना 5 ये रहा, ठीक है, ये वापस यहीं मिलेगी, ठीक है। अब आगे कितना y कितना 2, y प्लस का 2 ये रहा, और उस समय x कितना 7, कितना 7 ये यहां मिल जाएंगे, ओके। अब मेरा y वापस कितना 3, ये रहा y 3 प्लस का, और x कितना 9, यानी कि ये यहां आकर मिल जाएंगे। तो देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा, देखो यहां से समीकरण नंबर 1 के लिए ये बनेगा और समीकरण नंबर 2 के लिए ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है, ये आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। यहां ये बिंदु भी लिखने होते हैं जरूर, जैसे यहां आपका निर्देशांक है 3 माइनस 3, और यहां के निर्देशांक हो गए, यहां के निर्देशांक आपके हैं 0 और 2, यहां के निर्देशांक आपके हैं 3
और ए, ठीक है। इस प्रकार से इसके निर्देशांक हो जाएंगे और इसी प्रकार इसके भी निर्देशांक हो जाएंगे आपके पांच और एक, और इसके निर्देशांक आपको हो जाएंगे सात दो, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे नौ और तीन। ये निर्देशांक लिखिए, ये ग्राफ खत्म हो गया। ध्यान रहे जो ये लाइनें खींचती है ये सीधी होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही होगा, अन्यथा गलत होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब।